निक्की यादव मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ठीक वैसे ही नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने निक्की यादव मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि साहिल गहलोत और निक्की यादव ने पहले ही शादी कर ली थी। उन्होंने ये शादी 2020 के अक्टूबर महीने में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में की थी। पुलिस ने दोनों की शादी का सर्टिफिकेट भी बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक साहिल के परिवार वाले उन दोनों की शादी से खुश नहीं थे क्योंकि दोनों का कास्ट अलग था, जिसके कारण साहिल के परिवार वाले दिसंबर 2022 में साहिल की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी और लड़की के परिवार से ये छिपाया गया कि साहिल ने पहले ही निक्की से शादी कर ली है। यानी कि साहिल के परिवार वालों ने लड़की के परिवार को साहिल की पहली शादी की भनक ही नहीं लगने दी। वहीं साहिल गहलोत ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2022 में उसके परिजन उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिसके बाद उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। साहिल की 9 फरवरी को सगाई और 10 फरवरी को शादी हुई थी। जब साहिल की शादी की बात निक्की को पता चली तो दोनों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद निक्की ने साहिल पर शादी तोड़ने का दबाव भी डाला। निक्की और साहिल ने शादी से पहले भागकर गोवा जाने का फैसला भी किया। निक्की ने तो टिकट भी बुक करा ली थी, लेकिन साहिल गोवा जाने से पीछे हट गया। साहिल और निक्की की शादी को लेकर जब निक्की के पिता से सवाल किया गया तो उन्होंने इसको लेकर कोई भी जानकारी न होने की बात की। क्राइम ब्रांच ने ये कहा है कि निक्की और साहिल की पहले ही शादी हो गई थी, क्या आपको इस बारे में कुछ पता था? हमें कुछ नहीं पता था। कल कुछ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या लगता है इस हत्या में भी वो शामिल हो सकते हैं? हो सकता है जी। तो क्या मांग करते हैं आप इनको? कानून में जो सबसे सख्त सजा होती है वो इनको भी मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है आप लोगों से या बुलाया? हाँ बुलाए हैं, हम तो पूछताछ करेंगे, वो हमारे साथ पुलिस इसमें हमारी पूरी हेल्प कर रही है। लगातार जो परतें खुली जा रही हैं, क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, पुलिस की तरफ से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस हमारी पूरी हेल्प कर रही है। दिल्ली पुलिस में पूरी प्रॉपर तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आप जैसे पत्रकार हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक निक्की ने साहिल को केस करने की धमकी भी दी थी, इसके बाद साहिल उसे बाहर घुमाने के लिए कार से ले गया। कार में भी दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद साहिल ने कश्मीरी गेट और ISBT के पास कार में मोबाइल चार्जर केबल से हत्या कर दी और लगभग 40 किलोमीटर तक निक्की के शव को गाड़ी की अगली सीट पर लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा, जिसके बाद साहिल शव को ढाबे पर लेकर पहुंचा, जहां उसने शव को फ्रिज में छिपा दिया। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और झज्जर से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।